हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जगदीश लोहिया, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर। एज द नेम सजेस्ट, जिस समय हम सो रहे हैं उस समय जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसे कहते हैं स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। यह एक एंटिटी है, सिंड्रोम है, जिसमें कई सारी एंटिटीज़ हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम और ओएसए सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, जिसमें जब पहले हम ये जानेंगे कि यह किस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, तब ये समझने में आसानी होगी कि ऐसा होता क्यों है। तो मोस्टली जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, जो थोड़े हेफ्टी लोग होते हैं, स्पेशली जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। और जिनके नेक के अराउंड फैट ज़्यादा होता है, और इसके अलावा जो जिन लोगों का लार्ज टंग है, टॉन्सिल्स है, या फिर क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ है जिन लोगों में, उन लोगों में ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो जैसे ये लोग जिस समय गहरी नींद में सो रहे होते हैं या सोने जाते हैं, उस समय जो हमारी सांस की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें टोन जो होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से सांस की नली में रुकावट आती है। और इसके साथ साथ जो हमारा ब्रेन का और जो सांस की जो मांसपेशियां हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन है उसमें दिक्कत होने की वजह से भी सांस की नली में रुकावट होती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से कंप्लीट सीजेशन ऑफ एयर फ्लो, मतलब सांस का जो प्रवाह है वो पूरी तरह लगभग रुक जाता है, जिसे हम एपनिया कहते हैं। और इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, जो नींद के दौरान पेशेंट्स को होती है। तो जो बेड पार्टनर्स होते हैं पेशेंट्स के, वो आके हमें ये बताते हैं कि इनको रात में एक तो खर्राटे आते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से, इसके अलावा बीच बीच में नींद जो है इनकी वो फ्रेगमेंटेड स्लीप होती है, मतलब अचानक से इनकी जो है सांस अटक जाती है ऐसा लगता है, और कभी कभी जिसे हम चोकिंग या गैस्पिंग कहते हैं, और कभी कभी एकदम ऐसा लगता है जैसे सांस पूरी तरह रुक चुकी है और वो अचानक से उठ जाते हैं। तो एक फ्रेश स्लीप नहीं होती इनकी रात भर, इनकी स्लीप जो होती है, जो नींद होती है, वो बार बार टूटते रहती है। तो जो पेशेंट्स होंगे वो हमारे पास आके बोलते हैं कि जब वो चाहे रात में कितनी भी देर सोए हों, जब वह सुबह उठते हैं तो वो फ्रेश फील नहीं करते, उनको पूरे दिन थकावट या फिर काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, पूरे दिन फटीग रहना, और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होती है उनको। जब वो सोते हैं तो या कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उनको झपकी आना, बार बार नींद आना, चाहे वो अपना टीवी देख रहे हों, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, या फिर वो कोई काम कर रहे हों, तो भी उन्हें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होती है, झपकी आती है बार बार। स्पेशली कुछ लोग जो ड्राइव कर रहे होते हैं उनको ड्राइविंग के दौरान भी झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है, या फिर जब वो पैसेंजर सीट पर बैठे हों, जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो ये चीज़ जो है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये और बढ़ने लग जाते हैं। इसी वजह से इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब पेशेंट की नींद पूरी नहीं हो पाती और रात में जब उनकी सांस रुकने लगती है तो बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं, जो जिस तरह से कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होने लगता है, जो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमारे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसी के फलस्वरूप इसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाना, CO2 का बढ़ना, या फिर पेशेंट्स को जो है हार्ट अटैक, ये सब के रिस्क जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं इन पेशेंट्स में, जो कार्डियक रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके रिस्क बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आप देखेंगे कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको BP शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन वो दो दो तीन तीन टैबलेट ले रहे हैं फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो अंडरलाइन कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है उसका एक रीज़न देखा गया है, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब इन पेशेंट्स में होता है। तो यही सब कारण है कि इस बीमारी के लिए काफ़ी जागरूकता अब फैलाई जा रही है और लोगों को अवेयर कराया जा रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये सब के लिए। तो अब ये सारे तो हो गए सिम्टम्स की बातें जो हमने की, इसके अलावा अगर हम पूछें कि अब इस बीमारी के अगर ये सारे लक्षण हैं तो अब हम इसको कैसे कन्फर्म कर सकते हैं, कि किस तरह से हम ये कन्फर्म किया जाए कि ये हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ना कि नॉर्मल स्नोरिंग है सिर्फ। तो इसको कन्फर्म करने के लिए हमें एक टेस्ट करना होता है, जिसे हम कहते हैं स्लीप स्टडी, जो आम बोलचाल भाषा में, या फिर पॉलीसोमनोग्राफी,
जिसको कराया जाता है, उसमें जब पेशेंट सो रहे होते हैं तब हम उनके शरीर में उनके कुछ कुछ इलेक्ट्रोड्स या लीड्स द्वारा हम उनकी नींद के दौरान उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर में चेक करते हैं, और उन एक्टिविटीज़ को हम लोग ये देखते हैं कि उस दौरान नींद के दौरान इनको कितनी बार खर्राटे आ रहे हैं, कितनी बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इन सब को एक सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसे कहते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। इस AHI इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को ग्रेडिंग करते हैं कि उनको किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो चाहे माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या सीवियर हो सकता है। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर सिर्फ माइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तब तो उसमें हम पेशेंट्स को यूजुअली कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सब के बारे में बताते हैं, स्लीप हाइजीन के बारे में बताते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि उनको वेट लॉस करना चाहिए। अब ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कोई सडनली होगा नहीं, तो इसीलिए उसमें डाइटिशियन का रोल है। पेशेंट्स को अपनी एक डाइट चार्ट बनवानी चाहिए और उसके हिसाब से ग्रेजुअली उनको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ये सब के बारे में बताया जाता है जिससे कि उनका वेट लॉस हो सके और जो माइल्ड जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें उसी से आराम हो सकता है। एक टर्म हमने यूज़ किया स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन जिस तरह से हम लोग नॉर्मली अपनी हर चीज़ को एक रूटीन वे में करते हैं उसी तरह से नींद को भी हमें इम्पोर्टेंस इक्वल देनी चाहिए, और एक स्लीप हाइजीन या मतलब एक रूटीन जो 6 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप है एक एडल्ट के लिए वो ज़रूर होनी चाहिए, और उसका एक फिक्स्ड उनको एक रूटीन बनाना चाहिए इन पेशेंट्स को जिससे कि उनका सर्कैडियन रिदम जो है वो मेंटेन रहे, जिससे कि रात में वो अगर अच्छी स्लीप लेंगे तो दिन भर वो फ्रेश रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। और इसके साथ साथ सोने के पहले उनको अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना चाहिए, जैसे आजकल लोग जो है काफ़ी व्यस्त हैं और मोबाइल ये सब में ज़्यादा समय अपना स्पेंड करते हैं, तो सोने से ठीक पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि अपने स्क्रीन टाइम को जो है आप उस समय जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा देर इन्वॉल्व रहना, और किसी भी तरह का बीवरेज जैसे टी कॉफ़ी ये सब चीज़ों को भी सोने से ठीक पहले अवॉइड करना है जिससे कि हमारी स्लीप जो है एक रूटीन जो है हम उसको मेंटेन कर सकें और एक अच्छी नींद हम लोग ले सकें ताकि हमारा स्लीप हाइजीन बढ़िया मेंटेन रहे जिससे कि हम एटलीस्ट माइल्ड स्टेज में ही हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को हम लोग कंट्रोल में कर सकें। अब अगर मान लीजिए कि बीमारी बढ़ती जा रही है, हम इसे इग्नोर कर रहे थे या फिर पूरी तरह से ट्रीट नहीं हो पाई, तो उस समय हम लोगों के लिए अब मॉडरेट और सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है इस बीमारी के लिए, चूँकि हमारी जो अपर एयरवेज हैं जो हमारी सांस की नली है उनमें कमज़ोरी आने की वजह से ये सांस की नली में रुकावट हो रही है, तो उस जगह पे हम लोग एक छोटी मशीन देते हैं जिसे बाईपैप मशीन या सीपैप मशीन कहते हैं, और इसको घर में ही यूज़ किया जा सकता है। अब उसमें वो मशीन क्या करती है कि हम जब उसे लगा करके जिस समय पेशेंट सो रहे होते हैं उस मशीन को लगाया जाता है जिससे कि एक प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे और सांस की नली जो है वो कोलैप्स ना हो, और सांस की नली में जो रुकावट है उसको हम लोग वो एक स्प्लिंट की तरह काम करती है और सांस की नली की जो रुकावट है उसको वो उससे निजात दिलाती है हमें जिससे कि आराम से रात भर पेशेंट अपनी नींद को पूरी कर सकें। और इसके साथ साथ इसमें अलग अलग प्रेशर सेटिंग होती है, हर पेशेंट्स के लिए अलग अलग प्रेशर सेटिंग लगती है, वो जब हम लोग स्लीप टाइट्रेशन करते हैं उस दौरान उसको चेक किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो पेशेंट्स जो हैं उन लोगों को कुछ और बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे जब अगर स्लीप हाइजीन में हम देखें तो उसमें पेशेंट को लेटरल पोजिशन में सोना चाहिए, कोशिश करें कि उनको कम से कम टाइम मतलब एकदम सीधे ना लेट करके एक तरफ करवट करके लेटें। उसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जिसमें पेशेंट्स को ये मशीन ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती उस दौरान, जैसे कि हमने कहा पहले भी क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ ये सब हैं, तो उस दौरान पेशेंट्स को ENT इवैल्यूएशन भी कराना चाहिए, मतलब ईयर नोज थ्रोट इसका भी चेकअप कराना चाहिए, और उसके लिए कुछ एडवांस डिवाइसेज हैं जिनको लगा करके भी इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।